एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ विम्पी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आई वाई फेस पैक लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये जो पैक है, आप इसे फेस पर भी लगा सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको इस फेस पैक के बारे में बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं घर पर। किचन से आप कुछ चीज़ें लीजिए, उसे कस्टमाइज़ कीजिए और आपका ये फेस पैक जो है तैयार हो जाएगा। ये फेस पैक एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो कि टैनिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन में जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं वो होती है बीच या फिर बाहर घूमना फिरना इधर उधर, तो हमारे चेहरे पर, हमारी पूरी बॉडी पर भर भर के टैनिंग हो जाती है। लेकिन उसे दूर करने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अगर आपके फेस पर, बॉडी पर कहीं पर भी टैनिंग है और तो आप इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इस फेस पैक को बनाना। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आएगी एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल, उस पर भी हिट जरूर कीजिए, जिससे आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए जल्दी से देखेंगे ये वीडियो। तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक साफ कंटेनर। उसके अंदर आपको लेना है 2 चम्मच बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर। ये जो है ये आसानी से आपको आपके किचन में अंदर मिल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड कीजिए 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। ध्यान रखिएगा कच्चा दूध ही हो, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच हनी यानी कि शहद, करीब आधा नींबू का रस, 2 से 4 चुटकी हल्दी यानी कि टर्मरिक। उसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आप मिक्स कीजिए। तो इस फेस पैक को लगाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका फेस जो है अच्छे से साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। इसे लगाने के आधे घंटे बाद, जी हाँ, आपको 30 मिनट तक इस फेस पैक के साथ रहना है। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से आप वॉश कर सकते हैं। आप इस फेस पैक को फेस के अलावा अपनी बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक्स पर क्लिक कीजिए, आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे।